बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम अहमद रज़ा ख़ान। प्रीवियस लेक्चर में हमने इवन और ऑड फंक्शंस को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शंस। अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, जिस तरह हम इसके वर्ड से ही रेप है, जाहिर है, दिस इज़ कम्पोज करना, यानी हमें कोई भी चीज़ को फॉर्म करना, बनाना, सेंस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शंस की बात होती है कि किस तरह हम एक से ज़्यादा फंक्शन को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। हमारे पास एक फंक्शन है एक्स टू वाई एंड एक्स टू वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू जेड, और जी फंक्शन है वाई से जेड की तरफ। द कम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज़ अ फंक्शन डिनोटेड बाई जी ओ एफ फ्राम एक्स टू जेड डिफाइंड बाई जी ओ एफ एक्स। हम इसको जी ओ एफ एक्स लिख सकते हैं, जी एफ एक्स लिख सकते हैं, या जी एफ इन टू ऑफ एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। अगर हम इस डायग्राम को देखें, देखिए ये एक्स से एफ एक्स है, दिस इज़ एफ फंक्शन है, फिर एफ एक्स से जी एक्स की तरफ है, दिस इज़ जी फंक्शन है, और यहाँ पर जाकर ये जेड के अंदर कंबाइन हो जाता है। यही हम कह रहे हैं फ्राम एक्स टू जेड। अगर हम इसे एक्स टू जेड देखें, दिस इज़ जी और एफ फंक्शन इन जेड, हमारे पास एक्स की टर्म में आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन। यानी तो फिर देखें, लेट एफ बी अ फंक्शन, यानी एफ कोई सा भी फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, वो एक्स से वाई की तरफ, एंड जी भी एक फंक्शन है फ्रॉम वाई टू सेट। द कंपोजिशन ऑफ जी, हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज जी एफ ऑफ एक्स, इसे जी फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, जी एफ एक्स लिख सकते हैं, या जी एफ इन टू ऑफ एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। देख, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। देखें, हमारे पास ये दो फंक्शन हैं जो मैंने अभी डेफिनेशन की बात की है, जिस पे हमने अभी बात की है। देखें, एक हमारे पास एफ एक्स है और एक हमारे पास जी एक्स है, और इसको हम एफ ऑफ जी एक्स किस तरह बना सकते हैं, इसे जी ऑफ एफ एक्स किस तरह बना सकते हैं, इसे एफ ऑफ एफ एक्स किस तरह बना सकते हैं, इसे जी ऑफ जी एक्स कैसे बनाया जा सकता है। तो चलें बारी बारी इसको चेक करते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। हमारे पास सब पहला पार्ट है वो है एफ ऑफ जी एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे एफ इन टू ऑफ जी एक्स भी लिखा जा सकता है, इसे एफ जी ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अभी हमने इसकी ये डेफिनेशन को यहाँ पे लिया, इसीलिए ये इस टाइप में हम इसको इस टाइप के अंदर लिख सकते हैं। देखिए, हमने इसको यहाँ पे इस तरह लिख लें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें। ये सारा लिखने का मकसद ये है कि वो किसी भी स्टाइल से आपसे सवाल पूछ सकता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेट्स स्टार्ट जी। अब देखिए, हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स ये है, दिस इज़ टू एक्स प्लस वन। अब इसके अंदर वो क्या कहता है, फंक्शन के अंदर जी एक्स, यानी जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे हमारे पास एक्स है, उसके अंदर जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी जाए। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे जो जी एक्स आना है वो पूरे का पूरा फंक्शन आना है, लेकिन किसकी जगह पर आना है, एक्स के अंदर। जब मैंने फंक्शन शुरू किया तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि हम बार बार सिर्फ एक ही बात करेंगे, हम एक्स की कीमत जो एफ ऑफ एक्स है, जो उसका गिवन स्टेटमेंट है, जो उसका फंक्शन है एक्स, हम एक्स की जगह पर ही वैल्यूज पुट करते रहेंगे, और जो जो हम उसकी वैल्यूज पुट करते रहेंगे, हम उसको डिफरेंट नाम देते रहेंगे। जिस तरह पीछे हमने इवन और ऑड फंक्शंस की बात की, हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो हमने देखा कि वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, या दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत नहीं बनती, तो हम उसको क्या नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम अब एक्स की जगह पर पूरे का पूरा फंक्शन, देखिए ये हमारे पास ये टू है, ये हमारे पास एक्स है, ये प्लस वन, इस एक्स की जगह पर, इस एक्स की जगह पर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन पूरे का पूरा जी एक्स, यानी हमें पूरा फंक्शन जी एक्स कंपोज करना है, तो जी एक्स की कीमत हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एक्स की जगह पे पूरा जी एक्स आ गया। तो ये हमारे पास बनता है सिक्स अवर एक्स माइनस वन प्लस वन, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, दिस इज सिक्स प्लस एक्स माइनस वन, दिस इज एक्स प्लस फाइव अवर एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास बन जाएगा फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चले अभी और देखते हैं, इसका दूसरी बी पार्ट देखें जी। अब जी ऑफ एफ एक्स वो कहता है,
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बार दफ़ा किसी भी स्टाइल के साथ सवाल पूछ सकता है, जी आप ऐसे करें तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को लिखने का मेथड है और ये किसी तरह भी लिखा जा सकता है। अब क्योंकि बाहर सबसे पहले जी है तो सबसे पहले हम जी एक्स का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज 3 by x minus 1। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब क्या है कि जहाँ पे x है उसकी जगह पे पूरा f ऑफ x पुट करना है, जी ऑफ f ऑफ x। तो ये 3 है, यहाँ पे हमारे पास x है, दिस इज -1। अब f ऑफ x और f ऑफ x की कीमत हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास मौजूद है जी, दिस इज 2x plus 1। हम x की जगह पर पूरा फंक्शन ऑफ f ऑफ x पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x plus 1 minus 1, 1 से कटेगा 3/2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखें हमने किस तरह एक फंक्शन को कंपोज कर दिया। चलें अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा कि हम फंक्शन में जी एक्स कैसे पुट कर सकते हैं या जी के अंदर एफ एक्स कैसे पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर एफ के अंदर ही एफ एक्स को पुट करना आ जाए या जी के अंदर ही जी एक्स को पुट करना आ जाए, यही उसने सवाल की स्टेटमेंट में हमसे पूछा भी हुआ है कि चेक करें कि अगर इस तरह के मामला आ जाएँ तो कैसे हम इसके अंदर इसको कंपोज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये इसका सी पार्ट है, दिस इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको f ऑफ एफ एक्स भी लिखा जा सकता है, इसको f(f)(x) भी लिखा जा सकता है। अब हमारे पास फंक्शन है, दिस इज 2x plus 1। अब एफ एक्स है ये हमारे पास है, वो कहता है इस फंक्शन के अंदर ही इसी फंक्शन को यूज करें। कर लेते हैं जी x की जगह पे एफ एक्स 2 plus 1, क्योंकि हमने x की जगह पे क्या डिमांडेड है एफ एक्स, हम एक्स की जगह पे एफ एक्स डिमांडेड है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे उसका पूरा फंक्शन दोबारा कंपोज कर देंगे, उसकी वैल्यूज को दोबारा पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 4x plus 2 plus 1, इट्स विल बिकम 4x plus 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें वो कहता है कि जी एक्स के अंदर जी एक्स की वैल्यूज पुट करो, जी एक्स के अंदर जी एक्स की वैल्यूज पुट करो इज द डी पार्ट। देखें जी ऑफ कहता है जी एक्स मालूम करें या जी ऑफ जी एक्स मालूम करें या जी ऑफ जी एक्स की कीमत मालूम करें। देखें आप देखें हमारे पास जी एक्स की कीमत यहाँ गिवन है, ये हमारे पास मौजूद है 3/x minus 1। आप देखें हमने एक्स की जगह पे दोबारा फिर इस एक्स की जगह पे दोबारा फिर पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो यहाँ पे पुट करना है। जब हम इसकी वैल्यूज को दोबारा लेके चलेंगे, देखें ये 3 जो चेंज आती है वो हमेशा एक्स के अंदर आती है। हम अब यहाँ पर एक्स की जगह पर एक दफ़ा फिर पूरे का पूरा फंक्शन जो ऑलरेडी गिवन है जी एक्स, देखें उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम ले लेते हैं जी। अब क्योंकि ये इसके बटे के बटे में है, इसको हम ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 3 into x minus 1, यह आ जाएगा 4 minus x, या हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ जी एक्स, जी हमारे पास क्या आ जाएगा जी ऑफ जी एक्स, यानी हमने कंपोज किया कि जी एक्स के अंदर जी एक्स का फंक्शन ही कैसे लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर इसके रेलेवेंट कुछ और जो भी कोई भी सवालात आ जाएं तो हम उसको बड़े आराम से बड़े आराम से सारे के सारे सवालात को विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशंस के हम कैसे फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हो, हमने एफ ऑफ जी एक्स की बात की, हमने जी ऑफ एफ एक्स की बात की, हमने एफ ऑफ एफ एक्स की बात की, हमने जी ऑफ जी एक्स की बात की कि हम किस तरह उसको कंपोज करते हैं, फंक्शन लेते हैं जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर एफ में एफ एक्स पुट करना है तो जहाँ पे एक्स है दोबारा सारे का सारा एक्स का फंक्शन पुट कर देते हैं, अगर हमारे पास जी है हम एक्स की जगह पे साथ दोबारा
पूरे का पूरा जी एक्स का फंक्शन जो है वो पुट कर देते हैं और हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी हमारे पास आंसर होता है वो उसको कंपोज कर देता है। ये मैंने इसका एक पार्ट आपको करवाया है, चारों केसेस मैंने डिस्कस किए हैं ताकि मेरा बेटा अगर आज इस तरह का कोई भी सवाल आ जाएँ तो हम किस तरह एक्स की जगह पर एफ एक्स या जी एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे दो फंक्शंस की बात करें, इससे ज़्यादा अगर वैल्यूज़ हैं तो हम तीसरा फंक्शन भी, चौथा भी, कोई भी जितनी भी उसके फंक्शंस की डिमांड होती है उस तरह हम उसे कंपोज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इस पे काम करोगे, इसके बाकी पार्ट्स को खुद प्रैक्टिस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम उसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम अब इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।